तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स में मैसेज बॉक्स। तो जैसे कि आपने अभी तक की क्लासेस में मुझे कई बार मैसेज बॉक्स को लगाते देखा होगा, देखा ना सौरभ जी? जी सर, तो मैसेज बॉक्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि कंप्लीट हो गया या कुछ एरर अलर्ट आया, कुछ इस तरह कुछ देना चाहते हैं, तो जी मैसेज बॉक्स इस्तेमाल करते थे। कैसे? जी सिंपल लिखते थे कि एमएसजी बॉक्स, यहाँ पे लिख दिया कि प्लीज एंटर, यहाँ यहाँ पे लिखते थे कि योर डेटा हैव से, राइट? तो ये क्या करता था कि मैसेज आपको ये कर देता था, पुट कर देता था, राइट? लेकिन मैसेज बॉक्स की भी कुछ है इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इनपुट लेना चाहते हो, तो बोलो से इनपुट लेने के लिए तो हम यूज करते हैं इसका इनपुट बॉक्स का। लेकिन हम इनपुट लेने की बात करें इस कंफर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फाइल आप क्लोज करते हैं या सी डिलीट करते हैं, मान लीजिए कि आपने आपने कोई फाइल क्लीज है, अब बिना सेव किए आप डिलीट करते हैं, आपसे पूछता है ना सेव डॉन सेव, तो ये भी देखता एक तरह का मैसेज बॉक्स ही है ना आपका। क्या जी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे आंसर, उसका जो सिलेक्टेड आंसर को क्लिक करना है। लेकिन इनपुट बॉक्स में तो आपको वहां पे करेक्टर ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम देते हैं मैसेज बॉक्स में कि जैसे कि हमने यहां पे दे दिया डिम एम एज ए इंटीजर, और यहां देते हैं कि एम इक्वल टू इनपुट बॉक्स माफ कीजिए पे गलत लिख दिया मैं, एम एस जी बॉक्स बॉक्स, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो लिख दिया डू यू वांट टू सेव, और हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसके बाद दूसरा हमारा आता है बटन, कि आप बटन क्या रखना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे बटन है, जिसमें यहाँ देखिए कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है मैसेज, मैसेज बॉक्स, हेल्प बटन, वो हेल्प बटन से खोलेगा, मैक्सिमम राइट रीडिंग, यहाँ पे ओके कैंसल, ओके ओनली, इसके बाद यहाँ पे रिट्राई कैंसल, यस नो कैंसल, तो हमने यहाँ से एस नो ले लिया। अब आप बोलोगे कि बाकी इसमें जैसे बीवी क्रिटिकल, बीवी इंफॉर्मेशन और क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आता है टाइटल, मतलब जो मैसेज बॉक्स में ऊपर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा रहता है, उसके जगह पे हम यहाँ पे देते हैं सेव फाइल। तो ये सेव फाइल लिखा हुआ है। अब मैं इसको प्ले करूंगा, सेव फाइल लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा, नो पे क्लिक करूंगा। अगर यस पे क्लिक करता हूं तो एम के ऊपर बीवी यस लिखा हुआ आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसका एक कोड होता है 7 8 नंबर या 7 नंबर होता है, वो स्टोर हो जाता है, लेकिन हम VVS नो भी लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्रिटिकल वो जो होता है क्या होता है, उसमें प्लस करके आप मैसेज बॉक्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं VV क्रिटिकल कर दिया, तो VV क्रिटिकल में जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपका कशन का सैंबल आया, एक साउंड आया, सर आपने साउंड सुना होगा, साउंड सुना आपने सर? जी। हाँ, एक साउंड आया, इसका इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द ये आपका वार्निंग, सॉरी एरर, दिस इज द एरर, ठीक है, वार्निंग एरर जो कह लीजिए। दूसरा, अगर मैं क्रिटिकल को हटा दूं, वीवी क्वेश्चन से इसमें क्वेश्चंस कर दूं, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आया, साउंड कोई नहीं आया, क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस ना करूं, इसमें मैं कर दूं वीवी इंफॉर्मेशन,
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का आई का सिंबल बना आएगा और इंफॉर्मेशन का एक साउंड आएगा, राइट। तो एज पर सिचुएशन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो जो प्लस सिंबल्स है वही इनके क्रिटिकल है, या डिफॉल्ट बटन वगैरह है, यहाँ पे अबॉर्ट ट्राई इग्नोर का मॉडल है, या यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम दे सकते हैं इस पे प्लस करके। तो आप देखिए, देखा आपको ये सारी चीजें हैं, तो आप एक बार इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैसेज बॉक्स पे जो हम इनपुट दे रहे हैं यस एंड नो, उसके उसको कैसे आगे कंसीडर करेंगे। जैसे मैं लिख दिया यहां पे कि इफ एम इक्वल टू वीवी यस या वीवी ओके या वीवी कैंसल या वीवी नो, आप हिसाब से कर सकते हैं। देन एक्टिव वर्क बुक डॉट से और यहां पे एंड, राइट। आया समझ में? जब प्ले होगा, प्ले होने के बाद अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो मेरा फाइल सेव होगा, नो पे क्लिक करूंगा तो मेरा फाइल सेव नहीं होगा। तो मैसेज बॉक्स को इस तरह से एज ए कंफर्मेशन बॉक्स आप बना के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अब मेरा अगला टॉपिक ये कहता है कि मैं यहां पे दो लाइन लिखना चाहता हूं, मैं अपने मैसेज बॉक्स में दो लाइन देना चाहता हूं। मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं। मैसेज बॉक्स में मैं दो लाइन देना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मान लीजिए कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिम एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं एम एस जी इक्वल टू, हमें लिख दिया कि डू यू वन 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 टू। सर पहले वाले भी तो सर टेस्ट भी लिखे जा रहे थे, तो पहले इंटीजर क्यों लिया था? नहीं, इंटीजर ए यहाँ है इस पे जो स्टोर मैसेज बॉक्स का रिजल्ट स्टोर हो रहा है, हम यहाँ पे मैसेज स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, तो एमएसजी भी तो एक डिम है? नहीं, एमएसजी बॉक्स होता है सर, एमएसजी नहीं। चलो यार यहाँ पे एमएस कर लेते हैं, अगर वीडियो हो रही है तो ठीक है। रिवी न्यू लाइन, और यहां पे हमने लिख दिया कि दिस फाइल क्लोज आफ्टर सेव, राइट। और यहां पे हम एम कर देते, एम लिख देते, एम एस, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे आप देखोगे कि दो लाइन में हो रहा है, कि क्योंकि हमने इसके बाद जो है क्या किया हुआ है यहां पे एन परसेंट के साथ बीवी न्यू लाइन दे दिया, तो क्या किया कि इस चीज को दूसरे लाइन में दे दिया। कभी कभी जैसे फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया नेम सिटी और अमाउंट, राइट। नेम मान लीजिए यहां पे पूजा है, सिटी हमारा मान लीजिए दिल्ली है, और अमाउंट हमारा 3500 है। अब मुझे ये पूरा जो भी हम कर रहे हैं पूरा मुझे मैसेज बॉक्स में सेम फॉर्मेट में दिखना चाहिए। फरमाया सर? तो चलिए इसके लिए हम तीसरा बनाते हैं। मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा सेव आर ब्लू, और हमने यहां पे एन परसेंट लिखा वी न्यू लाइन, ठीक है।
फिर यहाँ पे लिखा एम एस इक्वल टू एम एस के साथ हमें लिखा नेम, और फिर इसको दिया वी वी टैब, एन परसेंट मैं लिखा सिटी, और फिर मैं एन परसेंट वी वी टैब, फिर एन परसेंट लिखा अमाउंट, और एन परसेंट वी वी न्यू लाइन, ठीक है, फिर एम एस इक्वल टू एम एस के साथ हमने एन किया यहां पे रेंज ए टू, ए टू डॉट वैल्यू एन परसेंट वी वी टैब, फिर एन परसेंट रेंज, प्लीज म्यूट कर लीजिए शोर आ रहा है, बी टू डॉट वैल्यू, फिर एन परसेंट वी वी टैब, और फिर हमने यहां पे लिख दिया एन परसेंट रेंज सी टू डॉट वैल्यू, हो गया। अब देखिए इसको प्ले कीजिए, तीसरे नंबर को, ठीक है, डेटा सेट बिलो नेम पूजा सिटी एंड अमाउंट, एक सेम फॉर्मेट माना ना सर, तो न्यू लाइन आपने न्यू लाइन हमने क्या लिखा वीवी न्यू लाइन से लाइन ब्रेक हुआ, और हमने जो वीवी टैब दिया उस टैब से इन दोनों के बीच में एक कॉलन का सिंबल आया, ठीक है। तो पहला तो हमने लिखा दिया कि डेटा सेट बिलो सेव डेटा आर बिलो, फिर हमने हमारा हेडिंग के लिए किया, और फिर हमने अपना यहाँ पे वैल्यू के लिए किया। अब इसको इन सब को एक लाइन में लिखा जा सकता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन काफी लाइन बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसको बिना एक लाइन के लिखा, राइट सर। अब बात करते हैं कि मैं एक पूरी की पूरी पूरी की पूरी एक रेंज को रखना चाहता हूं मैसेज बॉक्स में, ये रहा, तो ये पूरी रेंज को मैं मैसेज बॉक्स में डालना चाहता हूं जैसा है वैसा है बिल्कुल, मतलब कि मेरे पास रो है कितने 7 है और कॉलम कितने है 13 है। तो चलिए इसको करते हैं, यहां पे लिखते हैं एम सब एम एस जी अंडरस्कोर 4 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहां पे लिखते हैं डिम एम जे इंटीजर, और एम इक्वल टू यहाँ पे इंटीजर इसको छोड़ देते हैं, इंटीजर नहीं चाहते, इसको हम लिख देते हैं एम एज ए स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग, और फोर लूप आई इक्वल टू चले 1 to 13, और फिर इसके अंदर लगाया नेक्स्ट जे इक्वल टू चले 2 to 7, तो नेक्स्ट जे कौन हो गया। उसके बाद हम यहां लिखेंगे एम इक्वल टू एम के साथ वी वी टैब, फिर एन परसेंट हमने बोल दिया सेल आई कॉमा जे, और फिर नेक्स्ट जे, और फिर नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई करने के साथ साथ हमें यहां लिखना होगा लाइन चेंज करना कि एम इक्वल टू एम के साथ कौन हो वी वी न्यू लाइन, और यहां पे हमने दे दिया एम एस जी बॉक्स, और यहां पे एम। अब देखिए इसको हम प्ले करते हैं, तो पूरा का पूरा आप देखिए क्या है, हमारा डेटा को इसने स्टोर कर दिया,
आया समझ में सर? सब पहली लाइन नहीं आई सर इसमें? सब पहली लाइन नहीं आई। ओ ओ टू से हो गया ना, वन वन टू सेवन आ गए। जी समझ आ गया सर मैसेज बॉक्स के बारे में? तो सर मैसेज इसका कोई यूज है मतलब प्रैक्टिकल उसमें? इसका नहीं यूज है, जैसे कि आप एक फॉर्म बना रहे हो ना। जी जी तो आपने डेटाबेस सेंड किया तो आप चेक करना चाहते हो ना, आप जैसे कि आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हो कभी देखा होगा कि आफ्टर जब से कंफर्म करने से पहले जो जो आप फॉर्म भरे हैं उसका पूरा एक आ जाता है ना। जी जी आता है, रेलवे में, रेल में भी आता है, ट्रेन वाले में आता है ना, तो उस तरह डिटेल डिटेल समरी आ जाती है। हाँ तो उस तरह का समरी अगर आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे यूजर फॉर्म पे? ठीक है तो आप मैसेज बॉक्स पे और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनपुट बॉक्स के बारे में। तो मैसेज बॉक्स आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा। फिर हम इनपुट बॉक्स को एक बार देखेंगे कि इनपुट बॉक्स किस तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है सौरभ जी? सर मेरा क्वेश्चन वो बता दो। कौन सा क्वेश्चन? तो मैंने मेल किया था जी आपको एक दो बार, वो डाटा नहीं उठा रहा कॉलम सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड में डाटा नहीं उठा रहा। हाँ प्रॉब्लम इन कोड, कोई नहीं कोड में नहीं हो रहा। ये है मैसेज मेरा, प्रॉब्लम इन कोड। पागल है तुम? चल यहाँ पे लोड ले पैड़ी ले। सर जी, सुजीत जी, सुमित। हेलो। हाँ बोलिए सर, कैसे हैं? तो दुआएं आपकी? नहीं सर, दुआएं किस कोने प्रॉब्लम है जसपाल जी? सर नहीं, ये नहीं, मॉड्यूल नंबर 9 मॉड्यूल 9 रेंज 2 डॉट क्लियर कंटेन सर। और ये सर जो है ना, करना क्या चाहते हैं इसमें बताइए? ये जो है ना रेंज, जहाँ रेंज कॉलम आई की वैल्यू आ रही ना, आई एंड जे की वैल्यू जहाँ उठा रहा वो, उसमें प्रॉब्लम है। ओके एक मिनट, आई एंड जे मतलब, लेकिन आपके पास ये आगे वाला देखा, ये लास्ट में नहीं आ रहा कि एल और एम में वैल्यू नहीं आ रही इसकी, एल और एम में वैल्यू नहीं आ रही। मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि इसकी वैल्यू उठाए और यहाँ डाल दे? एल और एम में लास्ट वाली वैल्यू नहीं आ रही, 15 और 5 नहीं आ रहा सर। आप मैं हुई तो 15 और 5 नहीं आ रहा। अच्छा 15 और 5 नहीं आ रहा, तो आपने एक मिनट, आपने लूप लगाया हुआ है कि फोर आई टू टू रेंज 200 डॉट एन दस एक्सराम, ये आप रेंज चलना चाहिए कहाँ तक? 200 तक? नहीं 200 तक तो सही है आपका, 200 से ऊपर आएगा ना, एंड आप एक्स्ट्रा रो कर दिया ना अपना, मतलब आपका लूप चलना चाहिए टोटल 5 बार। पहले बार में गया ऊपर ए 0, अच्छा ए एच के साथ आई ये वैल्यू उठा लिया, जे के साथ आई, किसके साथ आई, ओ तो कॉलम एच जे आई। सर स्टेप बाय स्टेप देख लो सर, एक छोटी स्क्रीन करके पकड़ में आ जाएगा कहाँ पे गलती हुई। मैं कुछ और देख रहा था, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 1 0 1 2
परेशान ना करें, क्योंकि बहुत परेशान है। चलिए अभी स्टेप इनफो कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लो सर पहले डाटा। गलत डाटा अपने क्लियर का कोड डाला हुआ है। ठीक है ठीक है, ठहर के कर ली। क्लियर हुआ? बस मैंने पढ़ ला। मुदल साथ में क्यों जा रहा है? कॉल तो नहीं कर दिया सर? मैं तो बोला हूँ, मैं कोई कॉल तो नहीं किया। मैं रुकिए, फिट फंक्शंस आपने बना रखा है क्या इसको? सर नहीं, फंक्शन तो कहीं और बनाया था ना। नहीं फंक्शन क्यों रन हो रहा है इसमें? देखिए पॉल सर वेरिएंट, ये सर कोई और, ये कोई और फंक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ये रन हो रहा है आपका वो फंक्शन चलने लग रहा है। फिर क्लियर कंटेंट आपने किया? अच्छा अब नहीं चल रहा, चल रहा है। सही गायब कर देता सर। आता तो है जसपाल जी, उधर डेटा मत लिखा करो जी सर, यहाँ भी क्या लिखा होगा गया गलती। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए वो 38 बार चल रहा है, और नीचे ब्लैंक है तो ब्लैंक ही डालेगा ना। अच्छा। अब यहाँ ये देखो, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे डाल रखा है ना, ये सर ड्रैग किया होगा सर, वो तो फॉर्मूला तो नीचे इफ एरर से हटा दिया। अच्छा, ब्लैंक ये जो फॉर्मूला आपने डाल रखा है, फॉर्मूला आपने आपने ब्लैंक कर रखा है ना, तो एक्सेल जो है हाँ। लेता है, मतलब कि ब्लैंक आपके नजर में, लेकिन कंटेंट तो है ना यहाँ पे, इसको भी ठीक 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 रीड कर रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन? डेटा एंट्री गलत हो गई सर। इसका सॉल्यूशन डेटा एंट्री होती है, आपने फॉर्मूला नॉर्मल है या फॉर्मूले से है? फॉर्मूले से है, तो उसके लिए आपने लूप का जो एंडिंग पार्ट चूज किया है ना, वो एंडिंग पार्ट आपने देखे 38 आ रहा है, एंडिंग पार्ट आपने गलत किया है। तो आप यहाँ पे एक कर ले काउंट लगा ले फॉर्मूला, काउंट से क्या होगा कि वो सिर्फ काउंट नंबर करके देगा, समझ गए ना। तो यहाँ जहां आपने ये लगा रखा है, रेंज लगा रखा है ना, इसको हटाइए और इसके जगह पे लगाइए एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, काउंट नॉट अकाउंट ए, और फिर रेंज, और यहाँ पे पूरा ए बाई ए, समझ गए। तो ये 5 आ गया, लेकिन आपको तो 5 में 6 तक चलना है ना, क्योंकि ये हेडिंग को काउंट नहीं करता है, तो इसमें प्लस 1 कर दो। नहीं, एस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एस की बोल रहा हूँ कि हेडिंग को काउंट नहीं करता है, तो प्लस 1 कर लिया। अब आपका कॉलम तो एच है ना सर, एच कॉलम में। हाँ सही, एच कॉलम। अब देखिए कैसे चलेगा आपका। अब माइक्रो को रन करो, सही है, ठीक है सर जी जी जी।
तो मैसेज बॉक्स वाला जो बताया उसको उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा और अगली क्लास में मिलते हैं इसके साथ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।